नमस्ते मित्रों, केम छो, मजा मा। वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि नागदा। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक तड़कती फड़कती न्यूज़। एप्पल कंपनी आप सबके लिए लेके आ रहा है आईफोन के ऊपर सब्सक्रिप्शन प्लान। इसका मतलब क्या है? तो आपको एक ब्रांड न्यू आईफोन दिया जाएगा जिसके बदले आप हर महीने एप्पल को रेंट भरोगे, और जब आप रेंट भरना बंद कर दोगे आप उस आईफोन को रिटर्न कर दोगे। ये ईएमआई मॉडल से काफ़ी अलग है, क्योंकि ईएमआई जब आपका कंप्लीट होगा तब आपका आईफोन आपका खुद का हो जाता है और आप उसको सेल भी कर सकते हो। बट यहाँ पर आप सिर्फ कंपनी को फ़ोन रिटर्न कर दोगे। और डेप्थ में समझने के लिए चलो एक रफ कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक 1,50,000 का फ़ोन है तो आपको शायद से चलो बोलते हैं 3,000 रुपीज़ पर मंथ आईफोन अपना सब्सक्रिप्शन प्लान रखती है उस फ़ोन के लिए। तो आप 2 साल के लिए उस फ़ोन पे पीछे भरोगे 72,000, जबकि आप अगर ख़रीदते तो उस फ़ोन के लिए आप भरते 1,50,000 रुपये। बट 1,50,000 का फ़ोन आप वापस सेल कर सकते हो और शायद आपको 60,000 to 70,000 वापस भी मिल सकता है उस फ़ोन के लिए बायबैक में या फिर सेकेंड हैंड मार्केट में, जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आम आदमी के लिए इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है? सबसे बड़ा प्रो है कि एक एंड्रॉयड यूज़र को एक नया सिस्टम जो है आईफोन का सिस्टम 1 साल के लिए यूज़ करने को मिलेगा। प्लस उसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होगा, बिकॉज आपको कोई पूरा डाउन पेमेंट नहीं करना है, आप बस एक छोटा अमाउंट भरना है मंथली बेसिस के ऊपर। ऑल्सो आपको काफ़ी बार सेकेंड हैंड फ़ोन के प्राइस में एक नया आईफोन यूज़ करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। बट इसके पीछे एप्पल आपको लालच भी दे सकता है। आप अगर नॉर्मली एक फ़ोन के पीछे 25-30,000 भर रहे हो और 2 साल के बीच में आपका फ़ोन के ऊपर खर्चा 50,000 हो रहा है, आप लालच में आके उसी 2 साल में 70,000 से 80,000 तक भी भर सकते हो एक आईफोन का एक्सपीरियंस लेने के लिए। बट इन सब में आईफोन का या एप्पल का क्या फ़ायदा है? इंडिया उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है और उसका ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। ऑल्सो जो सेकेंड हैंड मार्केट है उसको भी वो कट डाउन या किल कर सकती है। आईफोन का तब भी फ़ायदा होता है जब आप एक नया आईफोन ख़रीदते हो उसके स्टोर में जाके या ऑनलाइन। अगर आप सेकेंड हैंड आईफोन ख़रीद रहे हो तो एप्पल को उसमें से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और इसीलिए वो सेकेंड हैंड मार्केट को तोड़ना चाहता है। ऑल्सो इस सेकेंड हैंड मार्केट को तोड़ के वो तो आपसे ही आपका यूज़ फ़ोन वापस लेगा और उसी के पार्ट्स से एक नया फ़ोन भी बना सकता है, लाइक आईफोन SE। ऑल्सो जो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है Xiaomi, उसको भी वो इंडियन मार्केट में किल कर सकता है इस नए स्कीम के थ्रू। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो आप लोगों को आपका खुद का एक्सपेंस देख के, आपके खुद के कैलकुलेशंस बिठा के ही एक नया आईफोन सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाना चाहिए। अगर आपका 24 मंथ्स का कॉस्ट आपके बायबैक कॉस्ट के आसपास आ रहा है नए आईफोन का, तो आपके लिए ये डील फायदेमंद हो सकती है। बट इस चीज़ का वैल्यूएशन हर इंसान के लिए अलग होगा, और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपके खर्चे देखो और आपकी ज़रूरत देखो। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आपको हर साल एक नया आईफोन चाहिए, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें आपको एक स्कीम भी दी जाएगी कि आपको हर 12 महीने आप नए आईफोन के लिए अपग्रेड भी कर सकते हो। बट अगर आपका यूजेज इतना ज़्यादा नहीं है और सिर्फ आप दिखावे के लिए या स्टेटस के लिए आप ये कर रहे हो, तो आपको ये डील से दूर रहने में ही फ़ायदा होगा। बट यस, ये आपका खुद का कैलकुलेशन होगा, और जो भी मैंने फिगर्स बोले हैं वो एक रफ एस्टिमेट है मेरे अंदाजे से। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपके सारे फ्रेंड्स को ये शेयर करो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रिद्धि नागदा, एंड और ऐसे कॉन्टेंट मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।